अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद जासमीन में आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और मज़ेदार चना पुलाव की रेसिपी के साथ। चना पुलाव एक ऐसी डिश है जिसे पार्टीज वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है और मेहमानों के आने पर भी इस डिश को बनाया जा सकता है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को स्किप किए बगैर अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इसी रेसिपी को पूरा फॉलो करें। चने बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल बनाने के लिए हम पतीले में ऑयल डालेंगे 1 कप। साथ ही मैंने 3 प्याज लिए, इनको मैंने काट लिया बारीक बारीक, तो इनको भी डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक अच्छी तरह मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर चने डाल देंगे। चने मैंने पहले बॉईल करके रख लिए थे, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। भिगो के फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया, तो पानी इनका मैंने निकाल दिया और इन्हें मिक्स करेंगे। साथ ही टमाटर डाल देंगे, नमक डाल देंगे 4 चम्मच, मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच और ऐसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इनको भून देंगे, खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे। चने को मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने 1.5 किलो चावल लिए तो मैं 3 किलो पानी डालूंगी। साथ ही मैंने 3 चम्मच जीरा लिया, इसे डाल देंगे और पानी को बॉयल आने तक पकाएंगे। जितनी देर पानी को बॉयल आता है उतनी देर हम अपने चावल धो लेते हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह धो लिया है, इधर हमारे पानी को बॉयल आ गया है, तो इसमें अब चावल डाल देते हैं। मिक्स करेंगे और जो मैंने इमली थोड़ी सी ली थी, मैंने 5-10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, इसका मैं पानी डाल दूंगी। 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो गया, अब इसे दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें चावलों को दम आ गया है, चावल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने प्लेट में चावलों को निकाल लिया, हमारे कितने प्यारे खिले खिले से चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।